तहसील पुलिस थाना अंतर्गत चोरी की घटना को अंजाम देने वाले नाबालिग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से चोरी की दुपहिया समेत करीब 4,44,000 रुपयों का मुद्देमाल जब्त किया है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार तहसील पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले गांजाखेत चौक नानबाजी डोम परिसर के घर क्रमांक 404 में चोरी का मामला सामने आया। इस घर में वृद्ध दंपति रहते थे, दोनों भी घर पर नहीं थे। इस दौरान यह मामला सामने आया है। इसी बीच रिश्तेदारों ने उन्हें फोन पर सूचना दी कि घर का दरवाजा खुला है। रिश्तेदारों ने घर में घुसकर देखा तो चोरी होने की बात पता चली। इसी घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में गुप्त जानकारी के आधार पर एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया और पूछताछ करने पर नाबालिग ने चोरी की बात कबूली। आरोपी के पास से पुलिस ने घटना में इस्तेमाल सामग्री के साथ ही चोरी का माल और दुपहिया वाहन समेत 4,44,000 रुपयों का माल जब्त किया है। दिनांक 15/3/22 रोजी पुलिस स्टेशन तहसील हद्दीतील नानबाजी डोम गांजाखेत चौक जवळ घर आहे। घरात नवरा बायको दोघंच वयस्कर इसम राहतात। ते पुण्याला गेलेले होते आणि ते त्या दरम्यान कडी कोंडा तोडून आतमध्ये प्रवेश करून घरफोडी झाली होती। एकूण 4,44,000 मुद्देमाल चोरीस गेला होता। त्यापैकी आम्ही एक जुएनाईल आरोपीला सध्या विधी संघर्ष बालकाला ताब्यात घेऊन त्याच्याकडनं सदरचा गुन्हा उघडकीस आणलेला आहे आणि गुन्ह्यातून एकूण 1,00,000 रुपयाचा मुद्देमाल जवळपास आम्ही त्याच्याकडनं रिकवर केलेला आहे। त्याच्यात आम्हाला पाहिजे असलेला एक आरोपी अद्याप फरार आहे, मिळून आलेला नाही। त्याचा शोध चालू आहे, लवकरच तोही आम्हाला मिळून जाईल। रात्रीच्या वेळेला झालेली घरफोडी आहे। मोठ्या पेचकसच्या साह्याने त्याने कडी कोंडा तोडलेला आहे आणि घरात प्रवेश केलेला आहे। यामध्ये हा जुएनाईल आरोपी आहे, त्याने यापूर्वी पण गुन्हे केलेले आहे। या चोरीमध्ये त्याने स्वतःला झाकण्यासाठी किंवा स्वतःचं अस्तित्व लपवण्यासाठी वेळोवेळी कपडे बदलले, 2 ते 3 वेळा कपडे बदलले। त्यात एक वेळ महिलेचंही गाऊन वगैरे घालून कपडे बदलून त्याने ही चोरी केलेली आहे। इस चोरी के दौरान आरोपी द्वारा कई भेष बदले गए हैं। साथ ही आरोपी के साथ और एक साथी होने की जानकारी भी पुलिस द्वारा मिली है, जिसकी खोज पुलिस कर रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।